गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी राज्यों से झांकी निकलती है, लेकिन परेड में इस बार महाराष्ट्र की झांकी नहीं दिखाई देगी। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इसे परेड के लिए अस्वीकार कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने मोदी सरकार पर गणतंत्र दिवस परेड के लिए महाराष्ट्र की झांकी की अनुमति नहीं देने के लिए निशाना साधा। वहीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए रक्षा मंत्रालय ने 56 प्रस्तावों में से 22 झांकियों को चुना है। इनमें 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तथा 6 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकी शामिल है। महाराष्ट्र झांकी मराठी रंगमंच के 175 साल पूरे होने के अवसर की थीम पर ही झांकी बनाई गई थी। वहीं पश्चिम बंगाल की झांकी को भी परेड में शामिल करने के लिए अस्वीकार कर दिया गया है, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की झांकी हमेशा से देश का आकर्षण का केंद्र रही है। अगर कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा हुआ होता तो महाराष्ट्र की भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो जाती। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी केंद्र पर आरोप लगाया और कहा कि केंद्र ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए गैर भाजपा शासित महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की झांकियों को अनुमति नहीं दी है और कहा कि केंद्र सरकार पर पूर्वग्रह से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी झांकियों को अनुमति नहीं देना लोगों का अपमान जैसा है। सुले ने ट्वीट किया, केंद्र ने गणतंत्र दिवस पर परेड के लिए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की झांकियों को अनुमति नहीं दी है। यह देश का त्योहार है और केंद्र से सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की उम्मीद है, लेकिन सरकार पक्षपात पूर्ण तरीके से व्यवहार कर रही है और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों से सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि झांकी की मंजूरी नहीं देने के फैसले से राज्य की जनता की अस्मिता आहत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।